नमस्कार, मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो जैसे कि हम लोग ओईटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पहली वाली वीडियो के अंदर ओईटी के दो मॉड्यूल डिस्कस करे थे, लिसनिंग और रीडिंग। वैसे ही इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग रिमेनिंग दो मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, स्पीकिंग और राइटिंग। जिस किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लें, ताकि आपको ओईटी के चारों मॉड्यूल के बारे में आइडिया हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं राइटिंग से। तो जो राइटिंग मॉड्यूल होता है ये टोटल 45 मिनट्स का होता है। इसके अंदर जो 5 मिनट्स होते हैं उसके अंदर आपको एक पेशेंट केस नोट दिया जाएगा जिसके बारे में आपको पढ़ना होता है, और जो बाकी 40 मिनट होते हैं इसके अंदर आपको उस केस नोट के रिगार्डिंग आपको एक लेटर राइटिंग करनी होती है। तो जो राइटिंग होती है इसके अंदर मेनली दो लेटर होते हैं, एक होता है रेफरल लेटर, एक होता है ट्रांसफ़र लेटर। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। जो हमारा रेफरल लेटर होता है उसके अंदर आप पेशेंट को रेफ़र करते हैं आपके पेशेंट की प्रॉब्लम के हिसाब से। जैसे कि अगर आप किसी कम्युनिटी विजिट के ऊपर गए हैं और अगर आपके पेशेंट का वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है, तो आप अपने पेशेंट को किसी डाइटिशियन के पास रेफ़र करेंगे, उसी के रिगार्डिंग आपको ये लेटर लिखना होता है। जो दूसरा लेटर होता है वो होता है ट्रांसफ़र लेटर। इसके अंदर जो होता है आप अपना जो पेशेंट होता है उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं किसी दूसरे वार्ड के अंदर या तो किसी दूसरे हॉस्पिटल के अंदर। जैसे कि अगर आपका कोई पेशेंट है, अगर उसको फ्रैक्चर है और उसको मोबिलिटी रीगेन करनी है और आप उस पेशेंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये ट्रांसफ़र लेटर लिखना होता है। तो चलिए मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि लेटर राइटिंग के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है आपका पर्पस, लेटर लिखने का पर्पस क्या है। दूसरा आपका कंटेंट, तीसरा आपका ऑर्गेनाइजेशन, चौथा आपकी लैंग्वेज। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका जो राइटिंग मॉड्यूल है वो आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वाले मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करते हैं, स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग टोटल 20 मिनट्स का होता है। इसके अंदर टोटल मिला के आपको दो क्यू कार्ड दिए जाएंगे जिसके अंदर आपको नर्सिंग का रोल प्ले करना होता है, और जो आपका एग्जामिनर होता है वो आपके पेशेंट का रोल प्ले करता है, या फिर पेशेंट के केयर गिवर का, या फिर पेशेंट के फैमिली मेम्बर का रोल प्ले करता है। तो जैसे जब आपको वो कोई क्यू कार्ड देते हैं तो आपको 3 मिनट देते हैं उस क्यू कार्ड की प्रिपरेशन के लिए, और बाकी जो 5 मिनट होगी वो आपके और आपके पेशेंट जो कि आपका एग्जामिनर है उसके बीच में कन्वर्जेशन की टाइमिंग होती है, 5 मिनट तक कन्वर्जेशन होता है। वैसे ही आपको दो क्यू कार्ड मिलेंगे, 5 5 मिनट के, और 5 मिनट आपकी कन्वर्जेशन रहेगी। पहले वाले क्यू कार्ड के लिए 5 मिनट कन्वर्जेशन रहेगी, सेकेंड वाले क्यू कार्ड के लिए 5 मिनट कन्वर्जेशन रहेगी। तो मेनली इसके अंदर आपकी आप कैसे पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं, कैसे पेशेंट की नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, इन चीज़ों के रिगार्डिंग आपको एग्जामिनर असेस करता है। तो ये था ओईटी के बारे में। हमने ओईटी के टोटल मिला के चारों मॉड्यूल डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। तो यूके आने का जो प्रोसेस था उसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है सीबीटी, जो कि हम लोग अब नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। धन्यवाद।